राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। तो आज मैं लेकर के आ रही हूँ एक ब्लॉग। ब्लॉग में है, मैं दिखाऊंगी आज मेरी साड़ी कलेक्शन की, मेरे पास साड़ियों का कौन कौन सा कलेक्शन है और क्या क्या साड़ियाँ हैं। तो आप लोग देखिएगा और कौन सी साड़ी आपको अच्छी लग रही, कौन सी मुझ पर अच्छी लगेगी ये भी बताइएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना साड़ी कलेक्शन का ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं साड़ी लेकर के आ रही हूँ, मेरी जो वन ऑफ फेवरेट साड़ी है ये है प्योर खड्डी की साड़ी है। ये बनारस से लिया था मैंने कपड़ा, ये कपड़ा लेकर के मैंने खुद बनाई थी। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, प्योर में साड़ी है और पहनने के बाद तो इतने सटल बैठती है हमारे जो फिगर में। तो ये है मेरी वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी। इसका जो ब्लाउज है वो भी सेम है, मतलब रनिंग में ब्लाउज मैंने बनाया हुआ है, बट मैं इसको कंट्रास्ट के साथ भी पहनती हूँ। इसको मैं वाइन कलर के ब्लाउज के साथ पहनती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये है मेरी साड़ी। नंबर दो में मैं ये साड़ी लेकर के आ रही हूँ, ये है बंगाल की तात कॉटन की साड़ी है और ये मेरी देवरानी मेरे लिए लेकर के आई थी जब वो रिटायरमेंट आई थी। उसकी पोस्टिंग भी थी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में उसकी पोस्टिंग थी, तो तब वो मेरे लिए ये साड़ी लेकर के आई थी। बहुत सुंदर साड़ी है, कलर इसका बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेड कलर है, टमेटो रेड है और इसमें ग्रीन कलर के साथ बॉर्डर है। मेरी एक साड़ी ये मैंने मंगाई है ऑनलाइन, आप सूता बॉम्बे का आपने नाम सुना होगा, तो मैंने सूता बॉम्बे से मंगाई है और ये प्योर लिनन में साड़ी है। पिकॉक ग्रीन इसका पल्लू है, ब्लाउज भी पिकॉक ग्रीन है और पहनने में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है कि हमें लगता ही नहीं है कि हमने कोई 9 ईयर्स साड़ी को ऐसे रैप करके रखा हुआ है। इतना सॉफ्ट है क्योंकि ये प्योर कपड़ा है, इसलिए तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा सूता बॉम्बे की साड़ी। इसकी कॉस्ट जो है ये मैंने खरीदी थी 3,400 रुपए में, ऑनलाइन खरीदी थी। और ये है एक साड़ी है, ये कल्याणी कॉटन में साड़ी है, पिंक कलर की साड़ी है, पिंक एंड लाइट गोल्डन है। ये पुणे से मेरी देवरानी मेरे लिए लेकर के आई थी और उसने मेरे को मैंने उससे मंगवाई थी बट उसने फिर मुझे गिफ्ट करी। मैंने बोला कि चलो मैं उसकी पेमेंट करती हूँ लेकिन उसने मना कर दिया। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने पहनी भी थी तो मेरे ऊपर भी बहुत सूट करा था, पिंक कलर की साड़ी है। अब इसकी कॉस्ट क्या है ये मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट साड़ी है ये है, ये भी कल्याणी कॉटन की है और प्योर में है साड़ी। ये है मरून एंड बॉटल ग्रीन कलर में साड़ी है, हालांकि ये साड़ी अभी मैंने नहीं पहनी है लेकिन मेरी एक जो ननद लगती है उसने ये साड़ी पहनी है। मैं आपकी उसको फोटो दिखाऊंगी, उसको भी ये साड़ी बहुत पसंद आई थी और पहनने में भी बहुत अच्छी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है फ्लिपकार्ट से, ये है साड़ी 1400 रुपये की ऑनलाइन। तो ये नेक्स्ट साड़ी जो ये मैंने ली है ये है मिक्स कॉटन में है और ये है इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये डिजाइनर साड़ी है और ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, ये मुझे सेल में मिल गई थी। तो ये साड़ी मुझे पड़ी थी 1000 रुपीज की पड़ी थी और ये मैंने मंगाई थी। तब तक लकी ने बोलना शुरू कर दिया, लकी यानी कि पैट। तो ये साड़ी मैंने मंगाई है मिंत्रा से, ऑनलाइन मंगाई थी, ये मुझे सेल में मिल गई थी। मैं कभी भी अगर मुझे चीज की अगर जरूरत नहीं है मुझे सेल में मिल जाता है तो मैं उसको ग्रैब कर लेती हूँ। तो ये साड़ी मैंने सेल में से ली है और ये है एक पर्पल कलर की कॉटन में साड़ी है, ये मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, पूरा 5.5 मीटर की साड़ी है और विड्थ भी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब पूरा आती है। वरना कई कोई कोई साड़ियाँ होती जिसमें कि चौड़ाई नहीं होती, लेकिन ये बहुत सुंदर साड़ी है और पहनने में भी बहुत अच्छी कम्फर्टेबल है। और ये है मेरी कुछ 700 की साड़ी है, फ्लिपकार्ट से ली है ऑनलाइन। तो ये मेरी एक और साड़ी है, प्योर कॉटन में है और ये ली है आप लोगों को
साउथ एक्स दिल्ली में है, नल्ली सिल्क करके एक शोरूम है, वहां से ये साड़ी ली है। प्योर कॉटन में साड़ी है और वन ऑफ माय फेवरेट इसका कलर है, और पहनने में भी ये बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे बैठती है जैसे मम्मी लोग पहले धोती पहनती थी ना, उस टाइप से बैठती है। वैसे भी मेरे को कॉटन साड़ी मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी में रहती है। तो ये है बहुत सुंदर साड़ी, ग्रीन कलर का इसका बॉर्डर है और इसमें मच्छी और पिकॉक बने हैं यहाँ पर धागे से। एक ये है मेरी जयपुरी प्रिंट में साड़ी है बांधनी में, और ये मिक्स है, मतलब क्रेप में है साड़ी है, और मल्टी कलर इसका पल्लू है। बहुत सुंदर साड़ी है, हल्की फुल्की है, पूजा वगैरह में आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और रानी कलर है जो सभी पे सूट करता है ये कलर। और ये मेरी एक और साड़ी है जो कि संभलपुरी कॉटन में है, उड़ीसा से मैंने खरीदी थी। ये मरून कलर में है और ब्लैक कलर का इसका बॉर्डर है। मैंने इसको पहन भी लिया है एक बार, और अभी मैं हैंगर से इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर प्रेस करा के रखी हुई है, तो जब मैं पहनूंगी तभी इसको अनफोल्ड करूंगी। और बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास अपने जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट से हमेशा मेरे पास मेरे वार्डरोब में एक एक या दो दो साड़ियाँ हो, तो इसलिए मैंने ये साड़ी, मेरे पास वेस्ट बंगाल से भी है, यूपी के बनारस की भी साड़ी है, संबलपुरी साड़ी भी है, और भी कुछ हैं और कुछ रह गई हैं, वो भी आएंगी धीरे धीरे से। एक और है कलेक्शन में साड़ी, एक कल्याणी कॉटन है जो केरला से मैंने मंगवाई है। मेरी एक फ्रेंड है जो अपना साइड बिजनेस करती है जॉब के साथ साथ में, तो उससे मैंने ये खरीदी है, उससे मैंने ली है ये साड़ी। ये इसमें प्योर जरी का काम है, हाथ का, ये देखिए, और बहुत सुंदर साड़ी है। इसका बॉर्डर बहुत सुंदर है और ये चेक में साड़ी है, देखिए। तो आप इसको पार्टी वियर भी, एज अ पार्टी वियर भी यूज कर सकते हैं, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी साड़ी मैंने तैयार कर ली है, इसका ब्लाउज भी रनिंग में ही है, चेक में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक और कलेक्शन में साड़ी जुड़ गई है। ये पैच वर्क की साड़ी है, ये पूरा हाथ से ये इसमें पैच वर्क किया हुआ है, येलो कलर की साड़ी है। पूजा पाठ हल्दी सेरेमनी में आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने पहनी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो जो कॉटन लवर है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये साड़ी का बहुत अच्छे से पहनी जाती है और काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है। इसका विड्थ भी बहुत अच्छा है और इसमें पूरे स्कर्ट में भी ऐसे छोटे छोटे से पैच वर्क के बूटे बने हुए हैं, ये देखिए। तो इसके साथ आप कोई भी ब्लाउज कैरी कर सकते हैं, रेड कलर, मल्टी कलर, ग्रीन कलर, कुछ भी आप इसमें पहन सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है एक मेरी, और ये है मेरी पिकॉक ब्लू कलर की साड़ी, वन ऑफ मेरे दिल के करीब है। ये मेरे भाई ने जब उसकी इंगेजमेंट हुई थी तो मुंबई से दिलाई थी। इसको बोलते हैं काठपात्री साड़ी, मुंबई में ही खरीदी थी उसने मेरे लिए। और जब मैंने ये साड़ी पहनना, जब मतलब यूजुअली जब साड़ी पहनना स्टार्ट, शादी में तो हर कोई पहनता है, उसके बाद मैं साड़ी नहीं पहनती थी, तो जब मैंने पहनना शुरू किया तो ये है मेरी पहली साड़ी, ये कॉटन में। इसके साथ मैंने रेड कलर का ब्लाउज पेयर किया था, तो ये बहुत सुंदर साड़ी है और मेरे ये दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया। जॉर्जेट में साड़ी है, पीच कलर में है, और पूरा ही ये देखिए बहुत सुंदर सा चिकन एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी है इसमें, बहुत सुंदर साड़ी है ये। और ये मैंने मेरी दीदी की साड़ी से एक्सचेंज की है, ये मैंने मेरी दीदी को एक साड़ी दी और मैंने उनसे ये एक साड़ी एक्सचेंज की, क्योंकि मेरे पास चिकन की साड़ी नहीं थी, तो एक चिकनकारी की साड़ी मुझे चाहिए थी जो कि मैंने ये दीदी से ली। और ये बहुत सुंदर साड़ी है, इसके साथ मैंने व्हाइट कलर का ब्लाउज है चिकनकारी का, ठीक है। तो ये एक मेरे कलेक्शन में नहीं थी लेकिन अब ये भी आ गई है। तो ये एक और साड़ी है मेरी, डोला सिल्क में साड़ी है, रानी कलर की है, और इसमें छोटे छोटे से मधुबनी प्रिंट बने हुए हैं, और इसमें हल्का सा जरी का बॉर्डर है, पतला सा। चौड़े बॉर्डर की साड़ी मुझे नहीं समझ में आती है, तो ये पतला सा बॉर्डर है
और ऊपर थोड़ा और भी पतला है और ये इसका बॉर्डर है। इसके साथ आप रानी कलर भी ब्लाउज पेयर कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर भी कर सकते हैं और येलो कलर भी कर सकते हैं और मल्टी कलर तो आप कर सकते हैं। पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और रानी कलर है जो हर एक के ऊपर खिलता है। तो आज के लिए इतना ही। साड़ियों का कलेक्शन अभी और भी है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।